एक नंबर का डरपोक आदमी। शंभू जी लगे हुए हैं हेल्प में। पतला आबशार वैली इसको कहा जाता है सर। डोली कार के लिए रश। जा रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। ये जी हमारा रात का टेंट, खाना भी हमने इधर ही खाया और रात को बहुत ज़्यादा सर्दी थी, दो दो रज़ाइयाँ और कंबल लिए थे, उसके बावजूद भी सर्दी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो अब जाके धूप निकल आई है और टेंट गर्म हो गए, तो थोड़ा सा माहौल ज़बरदस्त हो गए। अब हम यहाँ से नाश्ता करके इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। ये हमारे मैट्रेसेस, सामान सारा बिखरा पड़ा है। यासिर भाई फ्रेंड्स, ऐसा है कि यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। जब भी आप नीचे शारदा से पतलियाँ के लिए आएंगे या द्वारियाँ से पतलियाँ के लिए आएंगे, तो आप वहाँ से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जीप ट्रैक लें। जीप जो है ना आपको यहाँ तक लाएगा। यहाँ पे जब बेस कैंप पे आप पहुँचेंगे, तो जिस बेस कैंप पे हम ठहरे हुए, वीआईपी टेंट थे, वीआईपी बिस्तर वगैरह थे और खाना पीना, और स्पेशली जो यहाँ का ऑनर है वो इतना फ्रेंडली है हमारे साथ, ऐसे उसका वो था जैसे हम उसको सदियों से जानते हैं। तो मैं अभी आपको उनसे मिलाता हूँ, वो अपना नंबर भी दे देंगे। तो जिस भाई ने भी, जिस दोस्त ने भी आना होगा, मस्ट यहाँ आप स्टे करें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मेरा नाम ज़ुबैर अयूब है और मैं यहाँ अरसा 4-5 साल से कैंपिंग कर रहा हूँ मारखोर लैंड टेंट विलेज के नाम से। तो ये पतला आबशार वैली इसको कहा जाता है सर, और हमारे पास जो सहूलियात हैं उनमें आपने कैंप में रात को आपने रहायश इख्तियार की, ज़बरदस्त मैट्रेस हैं, साफ़ सुथरे ब्लैंकेट हैं और एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ कैंप हैं और 4-5 कैंप हैं, यानी कि 50 लोगों की हमारे पास एकोमोडेशन मौजूद है। खाने पीने में आप जो चाहेंगे, चिकन कढ़ाई, दालें वाले, चावल, चपाती, जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी इंशाल्लाह ताला यहाँ मुयस्सर आएंगी। आप आएँ, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके मेज़बान हैं और यहाँ हर तरह की आपका इंशाल्लाह ख्याल रखा जाएगा। और जो इन्होंने कहा ना कि खाने में आपको कोई भी चीज़, अगर आपको खाने में कम चीज़ें भी मिली ना, लेकिन हाइजेनिक मिलेंगी, साफ़ सुथरी मिलेंगी और बिल्कुल फ्रेश मिलेंगी। आई रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग जब भी पतलियाँ लेकर आएँ, यहाँ स्टे करें। आबशार के नीचे वाला मारखोर के नाम से, मैं अभी आपको उनका बोर्ड भी दिखा देता हूँ। रवानगी है इंशाल्लाह ताला यहाँ से टूवर्ड्स द्वारियाँ, द्वारियाँ से फिर हम जाएंगे आगे रतिग। ये जी बाइकर्स इधर तक पहुँचे हैं, बाइक पे हिम्मत होगी भाई। यहाँ हमारे जीप के राइट साइड के लीफ स्प्रिंग्स, जिसे आम जबान में कमानी कहते हैं, टूट गए।
और उसकी वजह से जो उसके 4x4 का शाफ्ट था वो भी निकल गया। ये जी हमारी गाड़ी के जो है ना शाफ्ट निकल गए और उसके नीचे जो क्या कहते हैं पट्टे होते उनमें से 2 पट्टे टूट गए। तो अभी रास्ता बंद है, उस तरफ से भी 2 गाड़ी है और इस तरफ से भी एक गाड़ी आई है, तो सारे मिल के हेल्प करके इसके शाफ्ट पीछे से खोलेंगे और वो पट्टा हमने बिठा दिए साथ में भी, तो फिर इंशाल्लाह इधर से रोज अगर पॉसिबल हुआ तो निकल जाएंगे। हम भाई जी लगे हुए हेल्प में, और पिछले शाफ्ट जो ड्रम शाफ्ट है उसको जो है ना खींच के इधर रिंग तक बांध रहे। काफ़ी मेहनत के बाद एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि हम यहाँ से शायद निकल सकें, इंशाल्लाह निकलेंगे। 2 से 2.5 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार जीप चलने के काबिल हुआ और हम जीप में बैठ के रवाना हो गए। सुबह से इसको मिनते कर रहे हैं, डरपोक आ रहा नहीं है, डर रहा है इस चीज़ से कि नीचे पानी मानी नहीं है यार, इतना ही डरपोक आदमी, कसम खुदा एक नंबर का डरपोक आदमी। ये अंदर कोई और था, पतलियाँ से आते हुए जी पानी के करीब हम आए, थोड़ा सा कोई वीडियो शूडियो बनाने के लिए, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है आपको भी, बहुत तेज़ शोर बहुत ज़्यादा है। तुआरियाँ पहुँचने के बाद हमारे जो रत्ती गली के पहुँचने के लिए टाइम चाहिए था वो हमारे हाथ से निकल गया था, क्योंकि ऊपर हमारे जीप का लीफ स्प्रिंग्स थे उनके टूटने की वजह से 2 से 2.5 घंटे हमारे ज़ाया हो गए थे। तो यहाँ पे फिर हमने यही फैसला किया कि हम रत्ती गली जाने का प्लान कैंसिल करते हैं और अपनी बाइक्स उठा के डायरेक्ट अड़ंगी हिल की तरफ निकलेंगे। तो आपस में सलाह मशवरे करने के बाद हमने यही किया और अड़ंगी हिल की तरफ रवाना हुआ। पहुंचने पर हमने एक पार्किंग में अपने बाइक्स पार्क किए और वहां से डोली कार के लिए पैदल रवाना हुए। अड़ंगकेल जाने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप नीचे के रास्ते पैदल हाइक करके दरियाए नीलम के ऊपर एक छोटा सा ब्रिज को पार करते हुए ऊपर जाएं, जिसमें आपको अप्रॉक्स 2.5 से 3.25 घंटे लग जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन आपके पास डोली कार का है जिसमें आपको पहुंचने के लिए 5 से 7 मिनट लगते हैं और वहां से आपको एक 20 मिनट की हाइक करके आप अड़ंगकेल पहुंच जाएंगे।
हाइक करने के लिए स्टेमिना की कमी और दूसरी बात मगरिब के बाद अंधेरा होने वाला था, तो हमने डोली कार वाला ऑप्शन को ज़्यादा मुनासिब समझा। ये देखे जी, डोली कार के लिए रश, टूरिस्ट का ठीक रश है। हार्ट बीट ज़्यादा, पसीने आ जाए, सांस फूलने लगे, इसका मतलब है आपका वर्जिश हो गया। हाँ, अड़ंगकेल जो डोली कार है उसके इस तरफ एग्जिट पे हम आके, अब ये हमारा पहला पड़ाव है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बनाया भी इसीलिए गया है। यासिर भाई की बोलती स्टिल बंद है, कैसे भी बोलो यार थोड़ा सा, क्या बोलूँ, नॉट इशू यार, नॉट एन इशू यार। तो आगे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं भाई। फाइनली हम जो है ना अड़ंगकेल के बिल्कुल वो मेन जो होटल शोटल है वहाँ पर पहुँच गए। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं क्योंकि हाइक करना हमारा काम है नहीं, बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। और यासिर भाई और मेरी हालत बहुत बुरी है, हम लोगों में असलम भाई फिर भी अच्छे थे। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर जाके देखेंगे अपने लिए कोई कमरा वगैरह, और उसके बाद रेस्ट करेंगे, सुबह घूमेंगे फिरेंगे। क्या हो रहा है भाई, अड़ंगकेल को इंजॉय कर रहे हैं? ये जी अड़ंगकेल का माहौल जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये अभी तो हमने स्टार्टिंग ही स्टार्ट की है, काफी दूर तक यही सीन है सारा। और मजा भी आ रहा है यार, काफी लोग आए हुए हैं। नाश्ते के लिए आए हैं जी, अब नाश्ता आएगा, नाश्ता करके फिर ये खूबसूरत वैली घूमने जाएंगे। नाश्ता आ गया जी, और पराठे भी एक भी किस्म के, मजा आ रहा है जी। सईद भाई कहाँ जा रहे हैं? यार जा रहे हैं थोड़ा सा अड़ंगकेल घूमने। अच्छा, रात को हम लेट पहुंचे थे, रात तो थोड़ा सा बनाया वीडियो लेकिन कुछ दिखा नहीं, अब सोच रहे हैं जाके देखे सराउंडिंग्स में क्या है क्या नहीं। सही, तो यहाँ पे ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है मेरे ख्याल, उड़ाने की परमिशन नहीं है। अच्छा, सर भाई गांव में घूम रहे हैं? बस ये तो बड़ा यतीम गांव है, तो गांव ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। बहुत ही अच्छा है सर भाई, धूप गर्म है, धूप में बाकी गर्मी है, लेकिन अगर आप साए पे आ जाएं तो फिर मौसम ठीक रहता है, हवा ठंडी। ढूंढते जी अच्छी जगह पे हम आ गए, पीछे का व्यू आपको नजर आ रहा होगा, बहुत मैं कहता हूँ एक नंबर, पैसे वसूल होते हैं ऐसी जगह जब आप आते हैं, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आगे चल के देखते हैं, सुना है कि यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, उसकी हाइट से भी जो है ये वैली पूरी दिखती है, तो चलें उसको ढूंढते हैं। सिर भाई को मैंने एक वीडियो करने के लिए नीचे तक गया और फिर वापस जब आए दोबारा सांस चढ़ गया इसको। अभी काफ़ी नीचे जाना है भाई हमें। हाँ सही भाई, उसके लिए तो मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। नहीं नीचे जाना वैसे इशू नहीं। अच्छा, ऊपर आना इशू है। चलो भाई चलते हैं, एक अच्छा बड़ा साया आ रहा है इसी की उसमें चलते हैं, बादल का धूप नहीं लगेगी तो
ज्यादा पसीने भी नहीं आएंगे। बाइकिंग ही तो कोई बड़ी चीज नहीं है भाई मेरे, शॉर्टकट एक मारने की कोशिश कर लें, होपफुली रास्ता मिल जाए, नहीं तो हमारा रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। बकरी का बच्चा देखो, और आई थिंक ये सुखाने के लिए रखे होंगे, जो कि ये लोग अपने माल मवेशी को जो है ना सर्दियों में देते होंगे। और मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने जीप के टायर के निशान देखे, तो इसका मतलब यहाँ जीप भी आता होगा, गाड़ी का रास्ता भी होगा। अब वो कहाँ से नहीं मालूम। फ्रेंड्स, प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, हम ताऊबट नहीं जा रहे हैं, ताऊबट जाते जाते भी हमेशा पे वापस शाम हो जाएंगी, तो हमने प्लान ये किया है कि आज रात फिर हम खेल अड़ंगकेल में ही ठहरेंगे और इवनिंग में जो है ना यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे भी, और अगर एक्सप्लोर कर सके तो एक्सप्लोर भी करेंगे। तो डोली कार से इधर तक आते हैं जी जी, तो उस वजह से हम चाह रहे हैं कि हम अगर अभी जाएंगे भी हमें करके ऑलमोस्ट कोई घंटा तो लगेगा। सही कह रहे हैं सर, वहाँ से उधर तक जाने, फिर अगर हम वहाँ से ताऊबट जाएंगे तो दो घंटे या ढाई घंटे हमारे ताऊबट का है जी जी, हम वहाँ पे पहुँचेंगे हमें शाम हो जाएगी, तो हम ये कह रहे हैं कि शाम को हम वहाँ भी कैप्चर नहीं कर सकेंगे और वापस भी थक जाने में भी थक जाएंगे, आने में भी थक जाएंगे। व्हाई शुड वी स्टे हियर सर, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। हाँ, तो अगर आप लोगों की सलाह है हम आज रात भी इधर स्टे कर लेते हैं, शाम को इवनिंग में ये सारा इलाका घूम फिर लेंगे जी। अभी चूंकि धूप बहुत तेज है, घूमते ऐसे मतलब ट्रैक करते हुए भी ना पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, सही सही। तो शाम को ठंडे टाइम में ट्रैक भी कर लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे और कल इधर से सुबह इंशाल्लाह निकल। जबरदस्त फैसला सर, चले फ्रेंड्स। आपको एक बात बताता चलूं, ये आपको देखें ट्रक नज़र आ रहा होगा, जिस इलाके में पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता ना हो वहाँ पे गाड़ी चल के आ रही है ना, अजीब सी बात। अब मैं इसका आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ के इलाके के लोग हैं वो अपने काम वगैरह लोडिंग अनलोडिंग के लिए ना ये ट्रक्स जो है आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आ रहा है नीचे, इस पे सामान लाने ले जाने के लिए ये खोल के लेके आए और यहाँ पे दोबारा रीफिट हुआ है, तो वो ये जो है ना ये ट्रक्स यहीं रहते हैं और यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ, तो ये यहाँ से चीज़ें शिफ्ट करने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, है ना मज़े की बात। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो एक व्यू देख रहे हो, मेरे ख्याल में स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। अगर मैं इस पिक्चर में या इस फ्रेम में मैं नहीं होता और ये आपको एज अ पिक्चर या एज अ वीडियो दिखाया जाता तो आपको ऐसा लगता है ये स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, यह पाकिस्तान है। गवर्नमेंट को चाहिए इस जगह पर थोड़ा सा और फोकस करें और कुछ फैसिलिटीज़ लोगों को दें ताकि ये जगह टूरिज़म के लिए जो है ना ज़्यादा सही हो, तब तक आप पीछे का सीनरी इंजॉय करें।
आपने बोला मैं आऊंगा आऊंगा नियत है, यकीन जानो हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको और आसिफ भाई को दोनों को मिस कर रहे हैं, आप नहीं आए यार। लेकिन सईद भाई अहमद भाई तो आया हुआ है। जा भाई ये देखो, ये जी रात को जहाँ पे हमें लाइट मिलती है तो ये सिचुएशन होती है, तारों का जमघटा आप चेक कर रहे चार्जिंग और डेटा शिफ्टिंग और ब्ला 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 सब चल रहा होता है। तो ये जो है ना हर रात डेली का काम है जो कि बहुत टफ है। खाना ये आज यासिर भाई के फरमाइश पे इसको कहते हैं अंडा घोटाला। असलम भाई ये यासिर भाई ये किसी बंदे से इंस्पायर हो कि तो आपने अंडा घोटाला नहीं बनवाया? ये उसी बंदे से इंस्पायर होके बनवाया, लेकिन मैंने लेकिन वो तो हमने खाए नहीं थे। ये इंशाल्लाह खाएंगे, ये इंशाल्लाह खाएंगे जी, अंडा घोटाला दही और रोटी।